स्याह रात घना अंधेरा, चारों ओर शोर मचाती तुम्हारी खामोश चिता की चिलचिलाती लपटें, वैसी भेड़ियों की हथेलियों तले कुचली हुई मासूम जिंदगी जल जल के ये कह रही है कि तुम्हारी मौत महज मौत नहीं, आज तुम्हारे साथ इंसानियत और संवेदनाओं की भी मौत हो गई। अपनी लाचार माँ के आंसुओं को देखते एक मासूम बेटी अपनी कटी जुबान से बार बार प्रश्न करती है कि ये कैसे इंसान हैं जो अपनी बहन की आबरू पर जान छिड़कते हैं और दूसरों की बहन से दरिंदगी करते हैं। अपनी हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे तुम्हारे कपड़ों को चीर कर तुम्हारा बदन तो देख पाए, पर बदन के अंदर तड़पती और चिल्लाती आत्मा ना देख सके। बिटिया, तुमने भी बाकी बेटियों की तरह सपने सजाए होंगे, किसी की प्रेमिका, किसी की पत्नी, किसी की माँ बनने के, पर तुम इस बात से अनजान थी कि तुम्हारे सपनों का बलात्कार धर्म जात की आड़ में किसी वीराने में किया जाएगा। तुम्हारी खामोश हुई चीखों से आज नींद चट जाती है। मुझे माफ करना गुड़िया, उस वक्त हम सब अपने घरों में बेखबर होके सोए थे जब तुम्हारी चीखों को कुचला जा रहा था। काश वो लोग ये समझ पाते कि जिस्म को नोच कर वो सिर्फ दरिंदे ही बन पाए, किसी की बेटी को चुनर उड़ाया होता तो मसीहा भी बन सकते थे। अब नहीं पढ़ी जाती हैवानियत की और खबरें, अब नहीं देखा जाता किसी मासूम का नोचा हुआ चेहरा। हे माँ, अब वक्त आ गया है कि तू किसी दुशासन को पैदा करने से पहले ही उसे कोख में मार दे।